हम यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, पोटाश, तरह तरह की दवाइयां, ये डालने के बाद जमीन खेती की वो भी एक प्रकार से उसका प्रकार बदल गया है और वो जमीन पोरस नहीं रही है, पानी नीचे नहीं जाता है। थोड़ी बरसात होने के बाद भी कई जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, मांग उठती है इस पानी को बाहर निकालो, नहीं तो खेती जमीन फसल नहीं होगी। इन सब चीजों पर एक एक करके हम ध्यान दे रहे हैं। आज जो विषय को लेकर के आज प्रदेश भर में अभियान चला है, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश के तालाबों को इसको ठीक करो, योजना चलाई अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना में देश के 50,000 तालाब इनको हमको ठीक करना है, हरियाणा के 8,000 तालाब इनको हमने ठीक करना है। हर जिले में टारगेट तय किया गया कि इस पहले चरण में 15 अगस्त तक हम हर जिले के 75 तालाब अर्थात हरियाणा के 1600 तालाब ये हम 15 अगस्त तक इस पर काम चालू कर देंगे।